दोस्तों स्वागत है मेरी इस चैनल मैन्युफैक्चरर्स गाइड में, जहां पर मैं आपके लिए नए नए बिजनेस आइडियाज कहीं से भी ढूंढ कर लाता हूं। सो हमेशा की तरह न्यू बिजनेस आइडियाज की खोज में आ गया हूं मैं अकोला में श्रीराम एसोसिएट्स में मनोज सर से मिलने, जहां पर सर आपको बताने वाले हैं एक ऐसा बिजनेस आइडिया जो कि बहुत कम लोग जानते हैं। सो इसी बिजनेस की डिटेल जानकारी मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो में आप आखिर तक जरूर बने रहिए, जिससे कि आपसे इस बिजनेस के बारे में डिटेल से डिटेल इन्फॉर्मेशन मिस ना हो जाए। और ऐसे ही न्यू बिजनेस आइडियाज मेरे चैनल पर देखने के लिए पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि हमारा लाइक्स का टारगेट टोटल 60,000 लाइक्स का टारगेट पूरा हो जाए। तो आइए जानते हैं सर से इस न्यू बिजनेस आइडिया के बारे में, जहां पर सर हमें पूरा डिटेल समझाने वाले हैं। नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू ऑल। मैं मनोज खंडेलवाल, मैं मेरे कंपनी के बारे में आपको बताता हूँ। मेरी कंपनी जो इस्टेब्लिश हुई थी 1990 के अंदर, मैंने कंपनी जो इस्टेब्लिश की थी, लगभग आप समझिए कि 30 साल हो गए। 30 साल का जो अनुभव है हमारे पास में, तो इस 30 साल के दरमियान हमने बहुत सारे काम किए, फैब्रिकेशन वर्क किए, बहुत से इंजीनियरिंग मशीनरी का हमने डेवलपमेंट किया, right. जो सारे हिंदुस्तान के अंदर सब जगह सक्सेसफुल चालू है। mm-hmm. और यही काम करते करते हमें, जैसा अकोला जो एरिया है हमारा, काफ़ी इंडस्ट्रीज है, तो हमें आइडिया आया कि भाई क्यों ना हम ऐसा कुछ डेवलप करें जो आम किसानों को, या जो अनएम्प्लॉयड जो बच्चे जो पढ़ के निकल रहे हैं, right. जो हरदम सर्विस के लिए ढूंढते हैं, तो वो लोग सर्विस के पीछे ना जाकर अपना खुद का कुछ बिजनेस सेटअप करें, और वो भी रूरल एरिया के अंदर डेवलप करें, जिससे वो अर्बन एरिया में ना भागे, जिससे अर्बन एरिया पे जो प्रेशर आ रहा है वो कम होगा, राइट, और लोगों को रूरल एरिया में वहीं उनके घरों के अंदर ही काम मिलेगा, राइट। इसमें क्या ऐसा होता था कि अभी तक जो पैसे वाले लोग हैं, जो ऑलरेडी इस बिजनेस में, वही नया उद्योग लगाते थे, राइट। साधारण इंसान के बस की बात नहीं है 2 से 5 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करना, काफी इसमें प्रयास हुए, 20-25 सालों की हमारी कड़ी मेहनत है इसके पीछे। अच्छा, तो हमने काफी कम लागत के अंदर ये बहुत ही अच्छी मात्रा में, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की एक मशीन हमने डेवलप की, जो कहीं भी आसानी से लगाई जा सकती है, और कोई भी 5 करोड़ का प्रोजेक्ट आपने सीधा अराउंड 70,000 के आसपास लेके, बहुत कम लागत, इसके 70,000 से 75,000 रुपए के बीच में मशीन की कीमत है। दोस्तों आज फर्स्ट टाइम ये जो मशीन है हमारे चैनल पे लॉन्च होने जा रही है, फिर यूट्यूब पर इस बिजनेस के बारे में किसी ने अब तक डिटेल नहीं दिया, तो इस बिजनेस के बारे में पूरी डिटेल जानकारी आज मिलने वाली है। सर ने जो 5 करोड़ के जो प्रोजेक्ट थे उसको सीधा 70,000 तक लेकर आए, जिसमें कोई भी एक बड़ा उद्योग करना चाहते या फिर बड़ा प्रोजेक्ट लगाना चाहते उसे आप छोटे स्केल में स्टार्ट कर सकते हो, जो कि अराउंड सिर्फ 70,000 के इन्वेस्टमेंट से शुरू कर सकते हो। तो अगर आपको इस बिजनेस के बारे में और डिटेल, पूरी डिटेल जानकारी चाहिए, तो वीडियो में आप बने रहिए। आइए आपको मैं भी हमारे नए प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देता हूँ। ये हमारे 30 वर्षों का अथक प्रयास करके हमने ये डेवलप किया है। सर ये मशीन क्या काम करती है? और ये मशीन जो है ये सभी प्रकार की दाल बनाने के लिए एकदम डिजाइन किए, जिसमें आप सभी प्रकार की दाल बना सकते हैं। अच्छा। हमारे भारतवर्ष में आप जानते होंगे कि सभी प्रकार की दाल खाई जाती है, और पूरे भारतवर्ष में सभी प्रकार की दाल उगाई जाती है। जैसे आप कर्नाटक में जाएंगे तो तुअर मिलेगी आपको, राजस्थान में जाएंगे मूंग मिलेगा, एमपी के अंदर आपको चना मिलेगा, ऑल ओवर इंडिया के अंदर सभी प्रकार की दाल उगाई भी जाती है और खाई भी जाती है, मगर उसका प्रोसेसिंग करने की जो यूनिट्स है वो हिंदुस्तान में कुछ जगह ही लिमिटेड है, जो काफी इन्वेस्टमेंट होने की वजह से वो यूनिट में साधारण आदमी वो काम नहीं कर पाया अभी तक, जिसमें इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट रहने की वजह से। तो हमने ये मशीन जो डिजाइन की है ये घर के लाइन पे चलने वाली है, और कोई साधारण आदमी भी चला सकता है, और सभी प्रकार की इसमें दाल बना सकता है। अच्छा सर, आज हमें हमारे व्यूअर्स को आज क्या बताने वाले हो? ये जो मशीन डिजाइन की है इसमें आप सभी प्रकार की दालें प्रोसेस कर सकते हैं, जैसा तुअर की दाल है, मूंग है, चना है, उड़द है, सोयाबीन है, बरबटी है, मटर है, सभी प्रकार की दाल आप एक ही मशीन में प्रोसेस कर सकते हैं। इतने सभी दाल आपको हम प्रोसेस करके तो नहीं बता सकते, हम अभी आपको तुअर की दाल जो है, जो आम भारतवर्ष में सबसे ज्यादा उगाई जाती है और खाई जाती है। अच्छा, तो हम वो तुअर की दाल का भी हम आपको डेमो इस मशीन पर देंगे, तो आप देखिए ये मशीन कैसा कार्य करती है। ठीक, ये जो आप देख रहे हैं ये तुअर है जो किसानों के पास से खरीद के लाई गई है अभी। ओके, और ये जो आप फार्म के अंदर से, जैसा खेत में से इसी क्वालिटी की तुअर सारे भारतवर्ष में मिलती है। अच्छा, जो इस मशीन की हम बताएंगे आपको कि इसकी दाल कैसे बनाई जाती है। ओके, तो ये तुअर है, ये तुअर को हम पहले ये तुअर ले लेंगे। जो ग्रेडेड की हुई तुअर है, जो ग्रेडिंग हो जाती है, वो तुअर को हमको पहले यहाँ पे डालना पड़ेगा। ये हॉपर है, ये हॉपर के अंदर हमने तुअर छोड़ दिया और हॉपर को पूरा तुअर से भर दिया।
तुअर हमने मशीन के अंदर डाल दी है और तुअर डालने के बाद में इनलेट है, इनलेट की एक ये दी हुई है, वो इनलेट हमको थोड़ा थोड़ा खोलना है। खोलने के बाद में जो तुअर है ये मशीन के अंदर तुअर जाएगी, तुअर जाने के बाद में सिलेंडर पूरा भर जाएगा। यहाँ पर सिलेंडर भरने के बाद में इसमें एक आउटलेट है इधर दिए हुआ, ये आउटलेट का नॉब है, जो आउटलेट का नॉब हम खोल दिए तो ये जो तुअर है इसमें की तुअर ये चलने में जाना शुरू हो जाती है। ये धीरे धीरे हमको आउटलेट खोलना है, आउटलेट खोलते हैं, यहाँ लॉक कर दिया है इसको। तो इसमें जो टचिंग हुई हुई तुअर है तो यहाँ रोल में से पास होकर टचिंग होकर आती है तुअर, अच्छा वो एक कंट्रोल में से ये चलने के अंदर आती है। इसके अंदर एक सिलेंड्रिकल चलना दिया है, इसमें क्या है वो चलने में जालियाँ लगी है। अच्छा ये जालियाँ जो है जैसे तुअर के लिए अलग जाली लगती है, मूंग के लिए अच्छा। अलग लगती है, चने के लिए। अभी हम तुअर चला रहे हैं तो हमने तुअर की जाली इसमें सेट की हुई है। अच्छा तो ये जो जाली है इसमें से तुअर ये जाली के अंदर पास होगी। अच्छा तो इसमें से टचिंग हुई हुई तुअर इस वर्म के द्वारा इसमें से पास होकर आएगी इधर। ये जो तुअर आप देख रहे हैं ये टचिंग हुई हुई तुअर है। ये जो आप देख रहे हैं इसमें तेल का भी हमने अरेंजमेंट दी है। जैसा तुअर जो रोल में से पास होकर आती है तो उसमें आप जो पीछे देख रहे हैं स्टील का डब्बा जिसमें कंट्रोल टैप दिया है उसमें से तेल आपका जो है ड्रॉप बाय ड्रॉप उस स्क्रू कन्वेयर के अंदर वर्म के अंदर तेल आकर गिरता है, जिससे तुअर को तेल मिक्सिंग होके तुअर सामने से बाहर आती है। तुअर सामने से आती है बाहर। ये तेल क्यों लगाना पड़ता है इसमें? ये तेल इसके लिए लगाना पड़ता है कि तेल लगाने के बाद में तुअर को आपको 8 से 10 घंटा तुअर को रखना पड़ेगा। अच्छा। तेल लगी हुई तुअर को, उससे क्या होगा कि जो तेल लगा हुआ है वो तुअर के दानों के अंदर तेल अंदर जाएगा। अच्छा। और उसका जो छिलका है ऊपर का वो छिलका लूज होगा। अच्छा। तो ये आपका फर्स्ट डे की प्रोसीजर है, डे वन की प्रोसीजर। इसमें आपको तुअर जैसा आप डालेंगे वैसी तुअर दिखेगी बाहर। उसमें कुछ स्क्रैचेस आते हैं जो नज़र से नहीं दिखता है आपको। अच्छा। मगर हर एक दानों को स्क्रैच लग कर आती है। अच्छा। और मशीन से ही तेल लग कर आता है। तो जो तेल आप 8 से 10 घंटे रखेंगे तो उसमें जो पूरा तेल है वो तुअर के अंदर चले जाएगा। अच्छा। और उसका छिलका जो है वो ढीला हो जाएगा। ये जो तुअर आप देख रहे हैं इसमें रोल की स्क्रैचिंग आई हुई है और तेल लगा हुआ है तुअर से जो नज़र से दिखाई नहीं देता है। अच्छा। मगर वो उसमें स्क्रैचिंग आई हुई रहती है। इस तुअर को आपको 8 से 10 घंटा बोरियों में भर के रखना पड़ेगा। अच्छा। तो ये दूसरे दिन के लिए जो मटेरियल तैयार हो गया आपका। हाँ। 3 दिन की प्रोसेस है, ये पहले दिन की प्रोसेस हुई। हाँ। अभी इसी टूअर को आपको कल वापस मशीन में से निकालना है। अच्छा। तो दूसरे दिन की जो टूअर है वो कैसी दिखती है जरा बताइए। हमने देखा कि ये जो टूअर दिख रही है आप, ये कल की प्रोसेस की टूअर है जो 8 से 10 घंटा रखा हुआ है और इसे तेल लगा हुआ है। अच्छा। आज सेकंड डे हम इसी टूअर को वापस मशीन में रिपीट करेंगे। ओके। ये रिपीट करना होता है? हाँ, ये रिपीट हो गया है। ये भी हमको वही करना है, ये मशीन का इनलेट खोलना है। ये जो है सेकंड डे आपको रोल में से जब पास होगा तो इसमें काफी मात्रा में छिलका निकल जाएगा। अच्छा। जो आप वो वर्म में देख रहे हैं स्क्रू कन्वेयर में जो तुअर जा रही है वो रोल में से चलने में आ रही है, चलने में से छनाई होकर स्क्रू कन्वेयर में जा रही है। अच्छा। तो उसमें आप काफी मात्रा में छिलका निकले हुआ दिखेगा आपको। और ये जो पाइप लगी है वो तेल देने का काम कर रहा है? पाइप जो लगा दिख रहा है आपको उससे तेल जा रहा है उसके अंदर। अच्छा। एक एक बूंद उसमें तेल छोड़ना पड़ता है तो ये तुअर के अंदर आपको तेल लग के तुअर बाहर आ रही है। ये और ये जो आप देख रहे हैं वो छिलका जो है, जो आप देख रहे हैं ये छिलका जो है तुअर का छिलका आप जो देख रहे हैं ये डे टू का छिलका निकल रहा है तुअर का। छिलका निकलने के बाद में आपको जो तुअर आएगी वो दिखाई देगी यहाँ पर, जिसका भी छिलका काफ़ी निकल गया है। ये तुअर का छिलका है, डे टू के तुअर का छिलका है जो। और इसमें भी जो है आपको अच्छी क्वालिटी की दाल बनते हुए दिखेगी। ये जो दाल निकल रही है आप देख रहे हैं ये दाल थोड़ी थोड़ी निकलेगी, ये दाल थोड़ी थोड़ी निकलेगी। ये 125 दाल कहलाती है, जिसे आप मार्केट में अगर आप देखेंगे। अच्छा। तो ये दाल 125 दाल कहलाती है। अच्छा। जो अच्छी क्वालिटी के दाल से थोड़ी इसकी क्वालिटी, इसके रेट 300 से 400 रुपया कम रहते हैं। अच्छा। ये क्वालिटी के दाल के। और ये दूसरी क्वालिटी है, और ये जो क्वालिटी अभी आप देखेंगे बनी नहीं है। हाँ, ये छिलका निकले हुआ है इसमें आप देखेंगे। अच्छा। ये डे सेकंड डे के दिन आपको छिलका निकले हुए तुअर दिखेगी पूरी। अच्छा। इस तुअर को आपको वापस 8 से 10 घंटा रखना पड़ेगा। अच्छा। रात भर जैसा जिस प्रकार आपने पहले दिन रखा था उसी प्रकार सेम आपको 8 से 10 घंटा इस तुअर को रखना पड़ेगा। सेकंड डे भी? सेकंड डे भी। तो इसमें जो तेल लगा है वापस
आपके तुअर के अंदर तेल वापस जाएगा उसमें। अच्छा। और छिलका वापस निकलेगा इसका, तुअर थोड़ा थोड़ा छिलका निकलते जाएगा, ज्यादा प्रमाण में इसका छिलका निकलेगा, छिलका निकलेगा। आप देख रहे हैं इसमें अभी पीला दाना दिखाई दिख रहा है, पहले दिन के तुअर में आपको पीला दाना नहीं दिख रहा था, अभी आपको इसमें काफी पीला पीला दिख रहा है, इसका छिलका उतर गया है ये तुअर का। अच्छा, ये डे टू की प्रोसेस है, इसको 8 से 10 घंटा रखना है आपको वापिस। ये जो तुअर आप देख रहे हैं ये डे टू की तुअर है, जो हमने कल के दिन तेल लगा के जो रखी थी। हाँ। वो तेल को आज आपको तीसरे दिन वापस मशीन में डालना है इसी तुअर को। अच्छा, तो आप देखेंगे कि इसमें काफ़ी मात्रा में यानी लगभग पूरा ही छिलका आपका इसका निकले हुआ दिखेगा आपको। ओके। ये जब रोल में से पास होगी ये मशीन में इसको डालते हैं इसमें। डालने के बाद में सेम प्रोसेस करना है जो हम पहले दिन और दूसरे दिन किए थे, उसको वापस से खोलना है। तुअर आपकी वापस मशीन में पास होगी, पास होने के बाद में ये वापस ये जो स्लेट है इसको और वापस एडजस्ट करना है, थोड़ा खोलना है इसमें, वापस छिलका जो है आपका काफ़ी मात्रा में छिलका निकल जाएगा इसमें। अच्छा, ये आप देखिए पीछे ये छिलका इसका आ गया है वापस, ये जो छिलका निकल रहा है इसमें, ये जो येलो येलो निकल रहा है वो क्या है? ये येलो येलो इसमें कुछ परसेंटेज जो है इसमें बारीक पाउडर भी निकलती है। अच्छा। जब रोल में से पास होती है तो कुछ परसेंट उसमें बारीक पाउडर निकलती है, ये आप देख रहे हैं। अच्छा, ये बारीक चूनी कहलाती है। अच्छा। ये पाउडर और ये चूनी ये मिला के कैटल फीड आइटम है, जो आपके यहाँ के जो गाय भैंसे जो है वो लोग उनके काम में आती है ये, और इसकी भी काफ़ी डिमांड रहती है। बाय प्रोडक्ट भी इसका सेल हो जाता है। हाँ, ये जो बाय प्रोडक्ट है इसके बाद में अभी आप देख रहे हैं ये थर्ड डे के बाद में इसको आपको तुअर निकलेगी ऐसा, और ये जो है ये तुअर अभी आपको इस तुअर को आपको धूप में डालना है तीसरे दिन की प्रोसेस के बाद में, इसको वापस धूप में डालना है, इसको वापस धूप में डालना पड़ेगा। अच्छा, ये आपके पास में ड्रायर, इसमें बड़े दाल मिलों में ड्रायर रहता है। अच्छा, तो वो हमारे पास तो ड्रायर नहीं है, तो हम इसे धूप में डालेंगे बाहर आंगन के अंदर, इसको सुखाएंगे। अच्छा, 6 से 8 घंटा इसको धूप में सुखाना पड़ेगा। अच्छा, जब ये काफ़ी गर्म हो जाएगा तो इसे धूप में ही इसको पानी लगाना पड़ेगा। अच्छा, और पानी लगा के वापस 1 से 2 घंटा धूप में रखना पड़ेगा। ये धूप में 2 घंटा रखने के बाद में इसमें ये जो आप देख रहे हैं ये स्प्लिट होना शुरू हो जाता है। अच्छा, इसमें आपको ये देखिए ये स्प्लिटिंग हुई हुई जो तुअर है आपको अपना चालू हो जाती है। हाँ, तो ये जो दाल बनेगी इसको फटका कहलाता है, फटका। अच्छा। जो एक नंबर क्वालिटी है फटका का मीनिंग जो है फटके का। हाँ। वो है स्प्लिटिंग। ये अच्छा। मटेरियल को ऐसा आप फोड़ेंगे ऐसा फेंकेंगे जोर से प्रेशर से तो भी फूट जाए, तो ये फूटना चालू हो जाती है। अच्छा, इसके लिए इसे फटका क्वालिटी कहते हैं, फटका। अच्छा, फटका क्वालिटी, फटका क्वालिटी। इसमें क्या होता है फटकने के बाद, फटकने के बाद में स्प्लिट हो जाती है ये। अच्छा, इसमें आप देखेंगे कि जो तुअर आप देख रहे हैं इसको पूरी कोर है। हाँ हाँ, इसमें आप देखेंगे ये जो कोर है पूरी तुअर की पूरी। हाँ। कोर, होल कोर है। अच्छा, तो ये जो दाल है इसको सबसे ज़्यादा रेट मिलते हैं फटका। हाँ। क्वालिटी की तुअर। ओके, इसको एक नंबर दाल कहलाते हैं और ये फटका क्वालिटी की तुअर है जिसको सबसे ज़्यादा रेट मिलते हैं। ये जो हमने आंगन से जो माल जमा किया है। हाँ हाँ। वो माल को आपको वापस मशीन के अंदर डालना पड़ेगा। वापस मशीन। हाँ, मशीन के अंदर। ये आप तीसरे दिन शाम में भी ये प्रोसेस कर सकते हैं। ये देखिए आप, ये मशीन में आपने डाल दिया और ये तुअर जो है आपकी वापस रोल में से पास होगी। पास होने के बाद में इसमें से आपको जो है अच्छी क्वालिटी की जो है तुअर की दाल आपको दिखाई देगी मशीन में से गिरती हुई। प्रोडक्ट रहेगा हमारा। ये जो आप देख रहे हैं इसकी साइज जरा मोटी है तुअर की। अच्छा, और उसमें से जो दाल आ रही है उसकी साइज थोड़ी छोटी है। अच्छा, तो इसमें ग्रेडिंग भी होता है। अच्छा, साइज के हिसाब से इसमें ग्रेडिंग होता है। ओके, बड़े साइज की तुअर इधर से आती है और छोटे साइज की तुअर आती टूट गई है। ये पूरी तरह से टूट गई है और ये आप मार्केट में भी बेच सकते हैं या खा भी सकते हैं घर पे। ये दाल आपकी पूरी तैयार हो गई है। इसी प्रोसेस के अनुसार आप मूंग का मोगर, उड़द का मोगर और थोड़ा बहुत चेंज करके चना दाल भी आप बना सकते हैं। चना दाल के लिए तो आपको 2 दिन ही लगेंगे, 3 दिन का जरूरत नहीं है। अच्छा, और वो चना दाल भी इसी प्रकार बनती है और बहुत अच्छी क्वालिटी की चना दाल भी इसी मशीन से निकलती है। मटर की दाल तो बहुत ही आसानी से बन जाती है,
सेकंड ही आपको मटर की दाल मिल जाएगी। इसी प्रकार आप मसूर भी बना सकते हैं, सोयाबीन की दाल भी बना सकते हैं और लाख की दाल भी बना सकते हैं। ये मशीन जो है ये दो प्रकार के मशीनों का कार्य करती है। अच्छा, पहला तो ये ग्रेडर कम दाल मिल है। अच्छा। जिसमें आप किसी भी प्रकार का अनाज का ग्रेडिंग कर सकते हैं। ग्रेडिंग मतलब सर? ग्रेडिंग मतलब क्या है कि जब फार्मर लोग या किसान जो माल लेकर आते हैं, हाँ। तो उसमें आपका कचरा रहता है, काढ़ी रहती है। अच्छा। उसके बाद में उसमें जो कुछ दाना रहता है जो अनमैच्योर्ड रहता है। अच्छा। कुछ बड़े साइज का दाना रहता है। अच्छा। तो वो क्वालिटी का सब मटेरियल अगर ग्रेडिंग में आप इस मशीन में अगर डालेंगे, हाँ। तो इसके अंदर जालियाँ लगी है। अच्छा। तो जालियों के हिसाब से उसमें क्वालिटी साइज वाइज ग्रेडिंग होकर एक साइज का मटेरियल बाहर आएगा। तो अगर आपको अच्छी क्वालिटी की अगर दाल चाहिए तो आपको पहले रॉ मटेरियल को ग्रेडिंग करना पड़ेगा, right. जो इसी मशीन के अंदर ग्रेडिंग भी की जा सकती है। अच्छा। तो पहले ग्रेडिंग करना है और ग्रेडेड किया हुआ मटेरियल आपको प्रोसेस के लिए इस मशीन में यूज करना है। सर अभी मैंने मशीन भी लगा ली, बिजनेस भी शुरू कर दिया, दाल मतलब रॉ मटेरियल लेके मैंने दाल भी प्रोसेस कर दिया, बट इसमें जब अगर मैं बेचना चाहूँ या फिर मैं किस तरीके से बिजनेस कर सकता हूँ वो जरा बताइए। इस मशीन में आप दो प्रकार से कार्य कर सकते हैं। दो तरीके से। एक तो क्या होता है कि जैसा ग्रामीण क्षेत्र के अंदर रूरल एरिया में लोग खुद तुअर उगाते हैं, तुअर चना मूंग उड़द, और वो आपके पास में तुअर मूंग चना उड़द लेकर आएंगे, आपसे पैसे देकर खुद तुअर की दाल बना के लेकर जाएंगे। अच्छा। यानी जैसा आप चक्की पे गेहूँ लेके जाते हैं, आटा पिसा के लाते हैं, हाँ। तो सेम तरीके से इस मशीन पे भी कार्य किया जा सकता है। हाँ, हाँ। और हमारे महाराष्ट्र में काफी मशीन लोग इसी तरह से कार्य कर रहे हैं। अच्छा। जैसा एक क्विंटल के लिए वो चार्ज करते हैं 800 से 1000 रुपए क्विंटल। अच्छा। तो एक दिन में ये इस मशीन के ऊपर 4 से 5 क्विंटल का काम आराम से किया जा सकता है। अच्छा। तो एक आदमी एक दिन में इस मशीन पे 4 से 5 हजार रुपए का काम कर सकता है। 70,000 के इन्वेस्टमेंट में इतना ज्यादा रिटर्न आपको कोई मशीन पे नहीं मिलेगा। अच्छा अच्छा। और दूसरा तरीका क्या है? एक तरीका, और दूसरा तरीका जो है वो तरीका है कि आप इसमें अच्छी प्रकार से ट्रेनिंग ले लो और आप खुद माल परचेस करो मार्केट से। मार्केट से मतलब रॉ मटेरियल जैसा तुअर, जो भी आपके एरिया में जो भी रॉ मटेरियल होता है, जैसा तुअर होता होगा तो आप तुअर परचेस कीजिए, चना होता होगा चना मूंग उड़द, आप वहाँ से परचेस करके पूरा प्रोसेसिंग कीजिए, जो आपको बताया गया है उस तरीके से इस पर प्रोसेसिंग कीजिए, खुद का प्रोडक्ट तैयार कीजिए और खुद के ब्रांड नेम से आप आपके मार्केट में बेच सकते हैं। खुद के ब्रांड नेम से अगर सेल करना चाहते हो, अच्छा, तो भी ये काफ़ी प्रॉफिटेबल है। अच्छा। और इसमें आपको यानी अच्छा मार्जिन आ सकता है, जैसा 100 किलो के पीछे आपको 300 से 500 रुपए क्विंटल का आपको मार्जिन इसमें बच सकता है। ओहो। और अगर आप रोज का 4 से 5 क्विंटल भी अगर दाल बना के बेचते हो, हाँ। तो 2,500 से 3,000 रुपये रोज की आपको इनकम हो सकती है इस मशीन। ओहो। तो अगर आपको इस दाल मिल प्लांट और इस मशीन के बारे में डिटेल जानकारी चाहिए तो सर का जो नंबर है मैंने स्क्रीन पर भी दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सर का नंबर और एड्रेस है, तो आप उनसे मिलकर खुद या फिर कॉल पर भी इस बिजनेस के बारे में डिटेल जानकारी ले सकते हो। थैंक यू सो मच।